केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर के संविधान चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया, जहां आंदोलनकारियों को पुलिस ने और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। युवा कांग्रेस द्वारा कुणाल राउत के नेतृत्व में हाथ में बैनर लेके कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए अग्निपथ योजना के प्रति अपना विरोध जताया गया। बड़ी संख्या में इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की। माहौल को गर्माता हुआ देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया। अग्निपथ योजना जो ये है नरेंद्र मोदी के तरफ से एक सरासर लॉलीपॉप देने का काम है। ये देश के करोड़ों युवाओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं। ऐसी लॉलीपॉप इनने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का दिया था। ऐसी लॉलीपॉप इनने दिया था कि हर साल 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। लेकिन देश की जनता इतनी नासमझनी है कि इनकी हर लॉलीपॉप को मानेंगी। हम इसका खराकर निषेध करते हैं सरासर। और अगर से अग्निपथ वापस नहीं लेंगे तो ऐसी देश का हर एक युवा रोड पर आकर आंदोलन करेगा। अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस कांग्रेस जो है ये जो देश की जनता है उनका आवाज़ उठाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ये देश की जनता के साथ हत्या कर रही है, ये इमोशनल हत्या कर रही है। ये देश की जनता को लाचार करना चाहती है तो किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। राहुल जी ने आवाज़ उठाई तो उन पर ईडी का इन्हें धोप दिया, लेकिन उनको ईडी भी वापस लेना पड़ेगा और अग्निपथ की जो योजना ये भी वापस लेना पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी की योजनाओं का निषेध करते हैं। अग्निपथ वापस लो। कांग्रेस द्वारा जो है अग्निपथ योजना को लेकर यहाँ जमकर आंदोलन संविधान चौक में किया गया है। आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे किस तरह से आंदोलनकारी जो है इन्हें अभी पुलिस जो है हिरासत में लेने का काम कर रही है। पुलिस हिरासत में जो कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा ईडी के आंदोलन के बाद आज अग्निपथ योजना को लेकर जो है आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है जमकर संविधान चौक में आंदोलन किया गया, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का काम कर रही है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस के कार्यकर्ताओं द्वारा। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद है और हिरासत में लेने का काम जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा जो है ईडी के आंदोलन को देकर नागपुर में राजनीति गर्मा गई थी और आज अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए युवक कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और उसी तरह आज भी जो है हंगामा हमें नागपुर शहर में होते दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि कुणाल राउत है, उन्हें भी लेकर जाया जा रहा है, पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता साथ ही जो भी नेता है उन्हें यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस की ओर से। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। अग्निपथ योजना का विरोध यहाँ पे किया जा रहा था संविधान चौक पे। आज सुबह से ही जो है कांग्रेस द्वारा आंदोलन कर अग्निपथ का जो विरोध किया जा रहा था अग्निपथ योजना का, और कार्यकर्ताओं की अब यहाँ पे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया लेना शुरू हो गया है। तो हमने देखा कि आज संविधान चौक में सुबह से ही कांग्रेस द्वारा जो है अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन किया जा रहा था और आज दोपहर होते होते पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है, जिसमें बंटी शेखे, कुणाल राउत सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है हिरासत में ले रही है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले, अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।